नमस्कार, आप देख रहे हैं अलेक्सा स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति। ज्योतिष के मुताबिक ग्रहों के कोई योग से कई शुभ और अशुभ योग बनते हैं। इलय योग, महालव्य योग, इस योग को महापंच महापुरुष योग में से एक माना गया है। मालवीय योग, इसके साथ ही इस योग को ज्योतिष शास्त्र में बेहद शुभ और मंगलकारी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार मीन राशि में मालवीय योग बनने जा रहा है। इस योग से कई राशियों को फायदा हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में शुक्र अपनी ही राशि वृषभ, तुला में या फिर उच्च राशि मीन के पहले, चौथे, सातवें या दसवें भाव में विराजमान हो तो ये मालवीय राजयोग बनता है। मालवीय योग वाले व्यक्ति का भाग्य शुक्र की कृपा से बहुत अच्छा होता है। आइए जानते हैं नए साल में बनने वाले मालवीय योग के बारे में। वृष राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मालवीय योग इस राशि के शुभ कारक माने जाते हैं। इस दौरान इस योग के प्रभाव से करियर में ग्रोथ देखने को मिलता है। नई नौकरी में प्रभाव मिल सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी का प्रमोशन उन्हें मिल सकता है। बिजनेस में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। सिंह राशि। इस राशि के जातक के लिए मालवीय योग बेहद खास रहने वाला है। दरअसल इस योग के प्रभाव से वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होंगी। इसके साथ ही जो लोग शादी योग्य हैं उसके लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए रिश्ता आएगा। वहीं जो लोग राजनीति में, उन्हें उच्च पद की प्राप्ति होगी। इस दौरान नया वाहन या प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए भी मालवीय योग बेहद शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इसके साथ ही कुंभ में शनि गोचर से आपको साढ़े साथी से मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा इस दौरान रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तरक्की के मार्ग बनेंगे, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। बिजनेस अच्छा चलेगा। कुंभ राशि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र का मालवीय योग कुंभ राशि वालों के लिए भी विशेष माना जा रहा है। ऐसे में वे अपनी आपकी राशि से लग्न भाव में प्रवेश करने जा रहे, इसलिए इस दौरान आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। इसके साथ ही करियर में प्रगति हो सकती है। नौकरी व्यापार में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।